A very good morning to my dear students. Today we will do chapter 2, the tsunami worksheet questions. These are all objective questions, dear students. So let us do it one by one. First question, a tsunami is a very large and powerful wave caused by dash under the sea. First option is volcano, second option is flood, and third option is earthquake. The right answer is C, earthquake. Ek tsunami jo hai wo बहुत ही बड़ा तथा पावरफुल वेव होता है. क्यों ये उत्पन्न होता है? तो अर्थक्वेक अंडर द सी के कारण है ना, भूकंप जो आती है समुद्र के नीचे उसके कारण ये सुनामी उत्पन्न होता है. सेकंड क्वेश्चन, ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट डैश एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड द तमिलनाडु कोस्ट. 26 दिसंबर 2004 को एक सुनामी हिट किया था पार्ट्स ऑफ इंडिया को, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और तमिलनाडु के कोस्ट को, साथ ही साथ एक देश को. उस देश का नाम क्या है? थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड मलेशिया. द राइट आंसर इज थाईलैंड. ए ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3, द मीनिंग ऑफ द वर्ड केओस, CHAOS. केओस का मतलब क्या होता है? ट्रेमर, कंप्लीट डिसऑर्डर या रिलीफ. सो द राइट आंसर इज बी, कंप्लीट डिसऑर्डर. ओके. क्वेश्चन नंबर 4, 13-year-old Dash was swept away along with her parents and 77 other people. So the right answer is Almas Javed, Meghna or Sanjeev. B is the correct option. So the answer is Meghna, right? Number 5 question. Dash, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Kaun British girl thi jisne ki कईयों के जीवन बचाए सुनामी इससे पहले फुकेट बीच को हिट करती? अलमास, टिली स्मिथ या मेघना. आंसर बी इज़ करेक्ट, टिली स्मिथ वो बच्ची थी. ठीक है. नंबर 6, हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर द क्लास अ वीडियो ऑफ ए सुनामी दैट हैड हिट द हवाईयन आइलैंड्स इन 1946. हु इज़ हर? उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसे एक वीडियो दिखाया था सुनामी के. वह वीडियो काफ़ी पुराना था, 1946 का था, जब सुनामी हवाईयन आइलैंड में आया था. यहाँ पे हर किसके लिए आया है? हर हैज़ कम फॉर फर्स्ट ऑप्शन, टिली स्मिथ. ओके, टिली स्मिथ इसका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मैनी पीपल थिंक दैट द डैश द दैट द एनिमल पोजेसेस अ सिक्स्थ डैश एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक. बहुत लोग सोचते हैं कि एनिमल के पास एक सिक्स्थ डैश होता है, जब अर्थ जब शेक होती है तो उसे पहले पता चल जाता है. ऑप्शंस आर मीनिंग, सेंस एंड आई. तो इसका सही जवाब है सिक्स्थ सेंस, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नंबर 8, अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द सी कोस्ट नियर गाले सेड हिज टू डैश वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच. कैट्स, हॉर्सेस या डॉग्स. इसका सही जवाब है डॉग्स. ये श्रीलंका का जेंटलमैन इसी चैप्टर में कहता है कि मैं अपने दोनों डॉग्स को प्रतिदिन सी बीच पर ले जाया करता था, लेकिन जिस दिन सुनामी आया था वो डॉग्स जाने से मना कर रहे थे, इनकार कर रहे थे, उनके हैबिट से पता चल रही थी. ओके, चलिए. क्वेश्चन नंबर 9, मेघना वाज स्वेप्ट अवे, द एक्टिव वॉयस ऑफ द एबव सेंटेंस इज. इस सेंटेंस का एक्टिव वॉयस क्या होगा? द राइट आंसर इज द वेव्स स्वेप्ट मेघना अवे. बी इज़ द राइट आंसर. ओके, बी इज़ द राइट आंसर. चलिए नंबर 10 क्वेश्चन, द अर्थ ट्रेम्बल्ड बट नॉट मेनी पीपल फेल्ट द डैश. पृथ्वी कांपा लेकिन बहुत से लोगों ने इसे महसूस नहीं किया. क्या महसूस नहीं किया? ट्रेम्बल, ट्रेमर या ट्रेम्बल्ड? ट्रेम्बल्ड. तो सही आंसर इसका बी है, ट्रेमर. ओके, फेल्ट द ट्रेमर. ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, नो एनिमल कर्कासेस वर फाउंड. द कर्कासेस मीन्स, कर्कासेस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है डेड बॉडीज. ठीक है. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप यू वुड हैव एन्जॉयड द वीडियो. थैंक यू सो मच.